क्लास क्लास फिफ्थ। आज आपका टर्न है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। एक पंछी है बयां पंछी, और वो अपनी इसमें कविता के माध्यम से वो हमें ये समझा रहा है कि हम पंछी उन्मुक्त मतलब खुले आकाश के पंछी हैं और हम आकाश में उड़ते हैं और स्वच्छंद रहते हैं। ठीक है, तो ये कविता हमारी प्रस्तुत कविता में पंछियों के माध्यम से दर्शाया गया है कि आज़ादी सबको प्यारी होती है। सोचिए, यदि आपको कैद में रखकर खूब सारी सुविधाएं दी जाएं, तो क्या आपको कैद में रहना अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा, क्योंकि कैद में रहना मतलब हम लोग अपने मन से कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। अब आता है जीवन मूल्य, स्वतंत्रता, निर्भय विचरण करने की कामना। ठीक है, तो निर्भय होके विचरण करने की कामना हम सभी लोग करते हैं। अब आपका आता है, आपका हम चैप्टर एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो ये है आपकी कविता, और इस कविता को लिखा है शिव मंगल सुमन ने। ठीक है, इस कविता को लिखने वाले राइटर हैं शिव मंगल सिंह सुमन। तो दिया है, हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजर बंद न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। तो हम यहाँ पे आपको लिखना बताएंगे शब्द, उसको भावार्थ, प्रसंग और व्याख्या। ठीक है, तो ये आपकी हम इस जो आपका पैराग्राफ है उसकी हम व्याख्या करके आपको समझाते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, तो पंछी सुमंगल सिंह सुमन जी कहते हैं कि पंछी कहते हैं हम पंछी उन्मुक्त मतलब खुले आकाश के में रहने वाले हैं, पिंजर बंद पिंजरे में बंद होकर हम नहीं गा पाएंगे या नहीं रह पाएंगे, कनक तीलियों सोने की तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे, कि मतलब सोने की तीलियां मतलब जो हमको बंद करके रखेंगे, चाहे वो हमें कितनी भी आराम से सुविधा से रखें लेकिन वो हमारे लिए बेकार है। ओके, हम बहता जल पीने वाले, भाई यहाँ पे खुले हम लोग रहते हैं और बहते हुए जल को हम लोग पीते हैं, मर जाएंगे भूखे प्यासे, बहते जल को हम लोग जब मन चाहा तब हम लोग पीते हैं, और इसमें बंद रहने पे हम क्या है भूखे प्यासे मर जाएंगे। ठीक है, कहीं भली है कटुक निबोरी, कहीं भली कनक कटोरी की मैदा, सोने की कटोरी में मैदा भी घोल के आप हमें रख दो तो भी मेरे लिए अच्छी नहीं है, इससे अच्छी तो हमारे लिए जो नीम की निबोरी होती है, कड़वी होती है लेकिन तभी हमको अच्छी लगती है, क्योंकि वो हम लोग स्वच्छंद होकर उसको खाते हैं, किसी पे हमारा कोई पहरा नहीं होता है, तो वो कड़वी निमोरी भी हमें अच्छी लगती है। ओके, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस पंख सपनों में देख रहे हैं तरुकी फुनगी पर के झूले। तो स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में स्वर्ण श्रृंखला मतलब सोने की लड़ियों से बंधकर हम अपनी गति उड़ान सब भूले, हम लड़ियों से हम बंधे हुए हैं, मतलब इतना ज़्यादा हमारे पास डॉलर अपार संपदा है कि हम उसमें रह के सारे उड़ान को भूल गए हैं, खुले में हम रहना और सुख में रहना, सब हंसना खेलना हम भूल गए हैं, बस सपनों में देख रहे हैं, सपनों में बस जो हम सपना देखते हैं बस उसमें ही हम देखते हैं कि हम तरु की फुनगी के झूले, मतलब तरु मैंने वृक्ष की डाली में जो झूला पड़ा है उस झूले को हम देख रहे हैं। ओके,
स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में बंधकर, स्वर्ण श्रृंखला मतलब सोने की लड़ियों में बांध कर भी हमको रखा जाए तो भी हम हमें वो स्वर्ग के समान नहीं लगेगा। जबकि जो कच्ची निमौरी है उसको हम लोग खाते हैं तो वो भी हमको मीठी लगती है। ओके, अब केवल क्या रह गया है, स्वप्नों में मतलब ख्वाब में या स्वप्न में हम लोग देखते हैं क्या देखते हैं, तरुकी फुनगी जो वृक्ष की है उसके सबसे ऊपर वाली डाली पर जो झूला पड़ा है उसको हम देख रहे हैं। तनुकी फुनगी मतलब वृक्ष की फुनगी पे जो किल्ले हैं वृक्ष की फुनगी पर, मतलब लास्ट में वृक्ष की जो डाली है उसकी सबसे लास्ट में जो किल्ले निकले हुए हैं उस पे जो झूले पड़े हैं उसको हम देख रहे हैं। ओके,